गुड मॉर्निंग दोस्तों और वेलकम टू द ईगर एक्सप्लोरर चैनल। आज बोरोंग नेचर कैंप में हमारा आखिरी दिन है। आज का जो मौसम है बहुत ही अच्छा है, पूरा आसमान साफ है। मेरे पीछे आज स्नोक्लैड पीक्स भी दिख रहा है। आज हमारा बोरोंग नेचर कैंप में आखिरी दिन है। थोड़े ही देर में हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल पड़ेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो रास्ते से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए। आ गया है मेरे बाइक पे सिक्किम की सफर का चौथा अध्याय, जिसमें हम लोग बोरोंग से सिक्किम की पहली राजधानी युकसम होते हुए पेलिंग का सफर तय करेंगे। बोरोंग से रवांगला के रास्ते में बहुत ही सुंदर ओल्ड और न्यू रालोंग मोनेस्टरीज आते हैं। बोरोंग आते वक्त हम लोगों को ये मोनेस्टरीज देखने का मौका नहीं मिला था, इसीलिए अभी लौटने के टाइम हम लोगों ने ये दो मोनेस्टरीज पे थोड़ा टाइम बिताने का फैसला लिया। अगर आप लोग बोरोंग आ रहे हैं तो ये मोनेस्टरी आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। हाँ, अभी हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि जूता उतारना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें, लेकिन बहुत सुंदर मोनेस्टरी। ये उरंग मोनेस्टरी के पास और एक देखने लायक चीज़ है, जो है ट्रेडिशनल भोटिया होम। तो इसको कल्चरल अफेयर्स गवर्नमेंट, जो कल्चरल अफेयर्स हेरिटेज बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का, वो प्रिजर्व करते हैं। ये है न्यू रालोंग मोनेस्टरी, जो रावांगला के तरफ जाते वक्त ओल्ड रालोंग मोनेस्टरी क्रॉस करने के थोड़ा बाद रास्ते पे मिलेगा। ये बहुत बड़ा है, ओल्ड मोनेस्टरी से ज़्यादा बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। ये न्यू मोनेस्टरी के अंदर का कोर्टयार्ड है। हाँ, और ये है मेन जो मोनेस्टरी बिल्डिंग है वो, और अभी इसमें कुछ काम चल रहा है, इसको रंग वंग करने का काम होगा, लेकिन वो रहने, इसलिए उधर बांस का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, लेकिन फिर भी देखने समझ में आता है कितना सुंदर है ये। तो ये बिल्कुल एक बार तो आना ही चाहिए। रालोंग मोनेस्टरी में थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद हम लोग फिर से रावांगला के ओर बढ़ने लगे। लौटते वक्त ज़्यादातर रास्ता नीचे के तरफ था और इसके हालत भी बहुत ही ख़राब थी, इसीलिए हमें बाइक चलाने में बहुत ही सावधानी बरतना पड़ रहा था। रास्ते की हालत खराब होने के बावजूद हमें राइड करने में काफी मजा आ रहा था, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इस खराब रास्ते के कुछ कुछ हिस्से में इतनी खड़ी चढ़ाई थी कि यहाँ पे चलाना काफी खतरनाक महसूस हो रहा था। एक नियाहती दिलचस्प राइड के बाद हम लोग फाइनली रावांगला पहुंचे और एक चाय के दुकान पे रुकने का फैसला किया। रावांगला क्रॉस करके थोड़ा चाय पी रहे हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे, आज पहले जाएंगे युकसम, जो सिक्किम का पहला राजधानी है। वहाँ पे पहले जो चोगियाल थे उनको क्राउन किया गया था, उनका राज्याभिषेक हुआ था बेसिकली। तो यहाँ से हम लोग वहाँ जाएंगे, तो रास्ते में मिलते हैं। छोटी सी एक चाय ब्रेक के बाद हम लोग युकसम के ओर बढ़ने लगे।
रास्ते के इस हिस्से का हालत काफी अच्छी थी, लेकिन जगह जगह पे रिपेयरिंग की काम चल रही थी। सुबह की पहली किरणों के साथ दक्षिण सिक्किम के पहाड़ी रास्तों पे राइड करने का मजा ही कुछ और था। राबांगला से निकलने के बाद काफी देर तक हम लोग दक्षिण और पश्चिम सिक्किम के बीच में स्थित रंगीत नदी के ओर उतर रहे थे। काफी देर तक राइड करने के बाद हम लोग रंगीत नदी के ऊपर एक पुल पार करके पश्चिम सिक्किम में प्रवेश किए और ताशीडिंग के तरफ बढ़ने लगे। ताशीडिंग में एक बहुत ही मशहूर मॉनेस्टरी है, लेकिन वो देखने का टाइम हमारे पास नहीं था, इसीलिए एक छोटे से चाय ब्रेक के बाद हम लोग युकसोम के ओर बढ़ने लगे। ताशीडिंग से युकसोम के रास्ते पे बहुत ही जगह पे काम चल रहा था और हमें काफी बार रुकना भी पड़ा था। तो अभी हम लोग युकसोम से 6 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, हाँ, रोड पे पीच देने का काम हो रहा है, तो वहीं पे हम लोग रुके हुए हैं। ये काम चल रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे रोड अच्छा रहेगा तो बाद में आसानी होगी चलाने में, लेकिन अभी के लिए 30 मिनट वेस्टेज हो रहा है बेसिकली। युकसोम पहुंचने से पहले आखिरी कुछ किलोमीटर में रास्ते की हालत बहुत ही अच्छी थी और हम लोग कोशिश कर रहे थे जितना हो सके समय बचाने की। अब तक हम सबको बहुत तेज भूख लग चुकी थी, क्योंकि सुबह से 2 कप चाय के अलावा हमें कुछ भी नसीब नहीं हुआ था। आखिरकार बोरोंग से निकलने के 5-6 घंटे बाद हम लोग युकसोम पहुंचे और सीधा चलने लगे नोरबुगांग के सिंहासन की ओर। ये है नोरबुगांग का कोरोनेशन थ्रोन। यहाँ पे सिक्किम के पहले चोगियाल यानी कि सिक्किम के पहले महाराजा का राज्याभिषेक हुआ था 1641 या 400 साल, ऑलमोस्ट 400 साल पहले। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और इंटरेस्टिंग जगह भी है, तो युकसोम आने से ये जगह ज़रूर देखना चाहिए। पीछे जो पेड़ है बहुत पुरानी पेड़ है। तो अभी हम लोग युकसोम में चिकन मोमो खा के लंच कर रहे हैं। यहाँ से आप लंच के बाद हम लोग निकल जाएंगे पेलिंग के लिए, जहाँ आज रात रुकने वाले हैं हम लोग। गर्मा गर्म चिकन मोमोज के साथ एक बहुत ही टेस्टी लंच के बाद हम लोग पेलिंग के ओर बढ़ने लगे।
हम सब ने आज रात को पेलिंग में ही रुकने का फैसला लिया था। युक्सम से पेलिंग के रास्ते में बहुत सारे झरने हैं और हम लोगों ने इनमें से सबसे खूबसूरत कांचनजंगा फॉल्स के पास रुकने का फैसला किया। ये कांचनजंगा वाटरफॉल है जो पहले युक्सम से पेलिंग जाने के रास्ते पे आता है। ये बाहर का साइड है, अंदर बड़ा वाटरफॉल है जो वो सीढ़ियों से हम जाएंगे अभी। तो ये है कांचनजंगा का मेन वाटरफॉल जो है, वो काफ़ी पानी है अभी क्योंकि अभी यहाँ बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, इसलिए पानी है। सारे दिन के राइड के बाद सूरज ढलने से थोड़ा पहले हम लोग पहुंचे पेलिंग। मेरे बाइक पे सिक्किम की सफर का ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगला वीडियो अपलोड होने के साथ साथ आप लोगों को पता चले। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड पे जब हम घूमेंगे पेलिंग। तब तक के लिए गुड बाय।